यह सवाल उठता है कि भक्ति हमारे जीवन में क्या करती है, ऐसी कौन सी ताकत है भक्ति के भीतर जो भक्ति में मीरा पागल हो गई, जो भक्ति में अनेकों लोग पागल हो गए और अपना जीवन अपना सर्वस्व उनके पीछे समर्पित कर दिया। ऐसी क्या ताकत है भक्ति के भीतर कि हर एक व्यक्ति को भक्ति में जाने का मन होता है, भक्ति में डूबने का मन होता है, प्रभु का शरण स्वीकारने का मन होता है, प्रभु के समीप जाने का मन होता है। ऐसी क्या ताकत भक्ति के भीतर रही हुई है? इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भक्ति क्या करती है, भक्ति आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जीवन में यदि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो भक्ति के शरण में जाना पड़ता है। जीवन में यदि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो भक्ति का मार्ग स्वीकारना पड़ता है, भक्ति का मार्ग ही पसंद करना पड़ता है। ये भक्ति ही आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए कहा कि भक्ति क्या बदलती है, कहा कि तीन तरह के लोग संसार में होते हैं। पहले लोग हैं तालाब जैसे, बड़े संकुचित, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन देने को मन नहीं करता, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ अर्पण करने को मन नहीं करता, कुछ दूसरे के लिए करने को मन नहीं करता। यहां भी अनेकों लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन मात्र मात्र स्वार्थ में ही उनका जीवन चलता है, परमार्थ उनके दिमाग में आता ही नहीं। उनको लगता है कि मेरा घर अच्छा हो, मेरा फर्नीचर अच्छा हो, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस अच्छा हो, मेरे कपड़े अच्छे हो, मेरा मोबाइल अच्छा हो, मेरे पास जितनी भी चीजें हैं सबसे बेस्ट होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये कहा कि तालाब जैसे, लेक जैसे लोग हैं जो बड़े संकुचित है, जिन्होंने अपने को बांध कर रखा है, वहां से निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग तालाब जैसे हैं, उनके पास से कुछ खर्च करवाने के लिए, उनके पास से कुछ निकलवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके वो कुछ छोड़ सकते या कुछ दे सकते हैं। पहले लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीमा को बांध के रखा है, इसलिए कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। समझना, तालाब जो गांव में होता है वहीं पे रहता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। तालाब जहां होता है वहीं पर रहता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसने अपनी सीमा को बांध कर रखा है, अपनी बाउंड्री को कवर करके रखा है, बड़ा संकुचित उनका जीवन है। इस तरह के लोग जो संसार में है, जो मात्र मात्र स्वार्थ का ही सोचते हैं, मात्र मात्र अपना ही सोचते हैं, दूसरों का सोच नहीं सकते। हमारे यहां बड़ी सुंदर बात आती है, व्यास जी 18 पुराणों लख्या थे, अने 18 पुराणों लख्या पछी व्यास जी पासे लोको गया कि तमे आ 18 पुराणों लख्या ने आटलू बधु तमे वाँची सकी एम छे नहीं, क्या आप थोड़ू संक्षिप्त करीने, थोड़ूक नानू करीने बताओ, क्या ए श्लोक ओछा करी आपो तो अमे कदाच वाँची। ये हजारों श्लोक प्रमाण ए पुराण छे, अने ए पुराण माथी व्यास जी ए 100 श्लोक काढ़ी ने आप्या के भाई आ 100 श्लोक वाँची लो। लोकोए कीधुं के अमारी पासे तो एटलो पण समय नथी के 100 श्लोक वाँची सकी। व्यास जी हजी संक्षिप्त करीने मूल मूल वातों ने लेने 10 श्लोक काढ़ी ने आप्या, क्या 10 श्लोक वाँची लो। लोगों कीधु कि अमारी पासे एटलो पण समय नथी, 10 श्लोक वाँची सकीए, एक नानी पंक्ति में तमे कई कही सको तो को। अने त्यारे व्यास जी सरस मजानी वात लखी अने एने शास्त्रकार भगवंतो ए टाकी 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। कीधु कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों के ऊपर उपकार करना वह पुण्य है और दूसरों को परेशानी देनी वह पाप है और कुछ भी नहीं है जीवन में। हम स्वार्थी नहीं बन सकते, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद हम तालाब जैसे नहीं बन सकते। इसीलिए कहा कि भक्ति हमारे जीवन को बदलती है, भक्ति हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, भक्ति हमारे जीवन में बदलाव ला देती है। ये ताकत भक्ति के भीतर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार बैठ करके सोच लेना, हम कैसे हैं, हमारी मानसिकता कैसी है, हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हमारा जीवन कैसा है। मात्र मात्र आप अपना ही सोचते हो तो समझ लेना आप तालाब जैसे हो, आपने आपकी सीमा को बांध कर रखा है, आप नितांत स्वार्थी हो और कुछ नहीं है। कहा दूसरी तरह के लोग कैसे होते, कहा कि नदी जैसे होते हैं। और हमारे यहां तो लिखा गया, बहता पानी निर्मला पड़ा सो गंदा हो। नदी पवित्र क्यों है, नदी पावन क्यों है, क्योंकि वो बहती है, और बहती है इसलिए निर्मलता है उसके भीतर।
जहां होता है वहीं पर रहता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। नदी आगे बढ़ती है और गांव अलग अलग गांवों में जाकर के लोगों का कल्याण करती है। नदी ने अपनी सीमा को बांध कर नहीं रखा, अपनी सीमा को खोल कर रख दिया। जो आए वो लेकर जाए, जो चाहे वो लेकर जाए, जो मेरे पास आएगा वो लेकर के जाएगा, जो मेरे भीतर आएगा, जो मेरे समीप आएगा वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, खाली हाथ नहीं लौट सकता। मैं कहता हूं कि आप सामने से किसी को देने न जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में ये संकल्प कर लो कि कोई मेरे पास लेने आया तो मैं खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। यदि मेरे पास कोई मांगने आ गया तो मैं खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, ये संकल्प करके जीवन में आगे बढ़ना। और एक चीज जीवन में बराबर समझ के रखना, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, आप चाहे कितना पुरुषार्थ कर लो, लेकिन जीवन को बचाया नहीं जा सकता। जीवन में आप कुछ भी नहीं बचा सकते, आपकी ताकत नहीं है कि जीवन में आप कुछ बचा पाओ। आप समय नहीं बचा सकते, आप या तो उसका यूज कर सकते हो या तो उसको वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको बचा नहीं सकते। आप संपत्ति नहीं बचा सकते। जब पुण्योदय परिपूर्ण होगा, जब आपका अच्छा समय बीत जाएगा, उसके बाद आप चाहे कितनी बचाने की कोशिश करो, संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। आप सत्ता नहीं बचा सकते। जब तक आपका वो पुण्य होगा सत्ता टिकी रहेगी, वरना सत्ता भी चली जाएगी। आप शरीर भी नहीं बचा सकते, आप चाहे कितना शरीर को संभाल लो, चाहे कितना शरीर की केयर कर लो, चाहे जितना शरीर का ध्यान रख लो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर शिथिल होना ही है, शरीर में शिथिलता आनी ही है। कहीं ना कहीं चाहे कितना आप संभाल लो, लेकिन शरीर में शिथिलता आएगी। आप शरीर को भी नहीं बचा सकते, आप शक्ति भी नहीं बचा सकते। आज आपने कुछ नहीं किया, कल आपने कुछ नहीं किया, साल दो साल तीन साल आपने कुछ नहीं किया, एक ही जगह पर बैठे रहे और चौथे साल आप सोचो कि मैं कुछ बड़ा काम कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शक्ति भी बचा नहीं सकते। यह मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है, यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि यहां कुछ भी बचाया नहीं जा सकता। खर्च कर सकते हैं, समय का उपयोग कर सकते हैं, संपत्ति का सदुपयोग कर सकते हैं, सत्ता को कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग पर मोड़ सकते हैं। हमारे पास मिला हुआ शरीर है उसको कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग में यूज कर सकते हैं, तप करके, त्याग करके, आराधना करके, साधना करके उसको अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम बचा नहीं सकते। बराबर समझ लेना, जीवन में बचाने की चेष्टा न करना। आज के ज्यादातर लोग बचाने में लगे हुए हैं, आज बचा ले कल काम आ जाए, आज कुछ नहीं करे कल कर लेंगे, आज नहीं करते, आज शरीर को बचा लेते, आज शक्ति को बचा लेते, अगले साल कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। कुछ भी आप बचा नहीं सकते जीवन में, हमेशा ये सूत्र याद रखना। खर्च करो, जीवन जियो तो ऐसे जियो जैसे जीवन का अंतिम दिन हो, हमारे पास सब परिपूर्ण होने वाला हो। नदी की तरह बहते बहते जीवन जियो, और ये ताकत कहां से आती है? तालाब में से नदी कौन बनाता है? परमात्मा भक्ति बनाती है। जो व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है उनका जीवन नदी जैसा बन जाता है। हजारों साधु संत आज हमारे भारतवर्ष में है, कोई सन्यासी है, कोई संत है, कोई महंत है, कोई जैन साधु है, उन्होंने क्या किया? परमात्मा भक्ति स्वीकार कर ली और इसलिए अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, अपने जीवन को बदल लिया। और कहा तीसरा जीवन सागर जैसा, समंदर जैसा। पहला जीवन तालाब जैसा जो बड़ा संकुचित है, दूसरा जीवन किसके जैसा? किसके जैसा? नदी जैसा। और तीसरा जीवन सागर जैसा, समंदर जैसा। नदी के पास जाना पड़ता है पानी प्राप्त करने के लिए, पानी लेने के लिए नदी के पास जाना पड़ता है, लेकिन सागर क्या करता है कि सूर्य की जब भाप बनती है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है समंदर के ऊपर, और उससे जब भाप बनती है, बादल में पानी भरता है और पूरे विश्व में पानी का छंटकाव होता है, सागर क्या करता है? सामने से जाकर के पानी देता है। परमात्मा कैसे है? सागर जैसे, सागर जैसे विशाल है, सागर जैसे गंभीर है,
सागर जैसे विशाल है, ऐसे परमात्मा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भक्ति में यह ताकत है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, आपके जीवन को बदल के रख दे, आपके जीवन में बदलाव ला दे। ये ताकत भक्ति के भीतर है। इसीलिए ये मानव जीवन मिलने के बाद, ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि भक्ति का मार्ग हमने नहीं चुना तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ बीत जाएगा। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।